बताने आई, तुमको सुनाने आई। नाथाय नमः। साई भक्तों, साई बाबा कौन थे, उनका जन्म स्थान क्या था, उनके माता पिता किस धर्म और जाति से संबंध रखते थे, शिरडी में रहते हुए साई बाबा ने इन प्रश्नों का जवाब कभी नहीं दिया। शायद इसलिए कि बाबा इंसानियत को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। सबका मालिक एक का संदेश देने वाले साई बाबा सबको एक ही दृष्टि से देखना चाहते थे। बाबा की समान दृष्टि उनके भक्तों पर कृपा की वर्षा आज भी करती है। वो सब तो ठीक है भाई साहब। बहन जी, हमारे बेटे के तो न जाने कहां कहां से रिश्ते आ रहे हैं। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। फिर आपकी बेटी अमिता में रखा ही क्या है? ना रंग है और ना रूप, पर हाँ, अगर आप हमें सोने में तौल दें तो ये रिश्ता हो सकता है। लेकिन बहन जी, हमारी इतनी औकात ही कहाँ है? औकात वालों में रिश्ता करो फिर। हमारे बेटे को दामाद बनाने के सपने क्यों देख रही? चलो बेटा, किन कंगालों के बीच में फंस गए हम लोग। चलो भाई, हमारा किशन तो सचमुच का कृष्ण कन्हैया है। आप माने तो हमारे मोहल्ले की सारी लड़कियां इसकी दीवानी हैं, फिर भी हम आपकी लड़की को देखने आ गए। ये घर देखकर अब बेटी के साथ साथ दामाद के लिए घर दे दीजिए तो रिश्ता पक्का। भाई, किशन की पढ़ाई लिखाई पर मैंने भी तो लाखों रुपया खर्चा किया है। देखिए, ठहरिए बाबूजी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप अपने बेटे को बेचना चाहते हैं? पर जो कीमत आपने लगाई है ना अपने बेटे की, वो हमें मंजूर नहीं। हम आपके बेटे को खरीदना नहीं चाहते। चले जाइए यहाँ से। आई सेड गेट लॉस्ट। अरे चले जाएंगे, पर एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद यहाँ कोई रिश्ते के लिए दोबारा थूकने भी नहीं आएगा। जिंदगी भर कुमारी बैठी रहोगी, यह श्राप है, बिहारी का श्राप। चल बेटा। हमारे तो कर्म ही फूट गए शांति, जब से बांके यहां से गया है पूरी बिरादरी में हमारे साथ कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। जाने बांके क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है हमारी अमिता के बारे में। शांति, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। क्या पड़ी थी उसे ये सब खरी खोटी सुनाने की? क्या करती बेचारी,
अरे नुमाइश बनकर रह गई है, चेहरा देखा है कैसा कुमला गया है बेचारी का। अब हमने फैसला कर लिया है, हम ये घर बेचकर भी अमिता की शादी जरूर करेंगे। ये क्या कह रही हो शांति, हम घर बेच देंगे तो कहां रहेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भीख मांग लेंगे, लेकिन अब हमसे अमिता का दुख नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। दुख तो मुझसे भी नहीं देखा जाता शांति, लेकिन इस घर पे जितना हक अमिता का है उतना ही मुन्ना और राजू का भी तो है, हमें उन्हें भविष्य देना है। अगर हमने सब कुछ अमिता को दे दिया तो कल वो हमें सवाल नहीं पूछेंगे। देखिए बेटे अपने 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 भाग्य से अपनी खुशियां पालेंगे, इस वक्त हमें सिर्फ अपनी अमिता के बारे में सोचना चाहिए। हमारे समाज में लड़की होना ही गुनाह है। मुझे माफ कर देना अम्मा बाबूजी, अब मैं आपको और ज्यादा दुख नहीं दे सकती। अपनी खुशियों के लिए मैं अपने भाइयों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकती। बाबूजी, हमारे समाज में लड़की होना नहीं बल्कि लड़की को जन्म देना ही गुनाह है। जानती हूँ कि मेरा ही भाग्य खराब है, आप चाह कर भी मेरे दुर्भाग्य को नहीं बदल पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। बाबा, क्यों तुमने अपनी दुनिया में लड़की को एक बोझ बना दिया? क्यों बाबा, क्यों? अब इस बोझ को मैं और नहीं उठा सकती। क्या कर रही हो? इधर आओ, नीचे आओ, नीचे आओ।
सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो। नहीं छोड़ दे मुझे, नहीं। ये क्या करने जा रही थी तुम? मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं अपने भाइयों के भविष्य में कालिक नहीं बनना चाहती, इसलिए मुझे मर जाने दो। और हमारे मुंह पर कालिक पोतना चाहती हूँ? अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि लड़की होना गुनाह है? बेटी, भाग्य तुम्हारा खराब नहीं है, भाग्य तो उन लोगों का खराब है जिनके घर की तुम बहू नहीं बन सकी। बेटी, तुम तो लक्ष्मी हो, जिस घर भी जाओगी ना उस घर के भाग्य खुल जाएंगे। इंसान अपने प्रारब्ध और नसीब को सच्ची श्रद्धा और सबूरी से बदल सकता है। बेटी, सच्चे विश्वास के सामने तो सात समंदर की दूरियां भी छोटी लगने लगती हैं। जाओ, अंदर जाओ। बेटी, ये क्या कर रही थी तुम? हे साईनाथ, आपने हमें हमारे मुंह पर काले पोतने से बचा लिया, बचा लिया। आप तो यहाँ थी, आप यहाँ कैसे आ गई? ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ ना। तो फिर वो कौन? मां बनकर मुझे आत्महत्या से रोकने आए थे ना देवा? वो विश्वास, मेरी भक्ति, मेरी आस्था कहती है कि वो आप ही थे। मुझे तो आपने जिंदा बचा लिया, पर मेरे बाबूजी के बोझ को भी कम कर दो। अपनी कृपा का चमत्कार दिखा दो साईं, दिखा दो चमत्कार। देखकर आपकी नीयत में खोट आ गई। 10 लाख रुपए का पैकेट आपके हाथों से हिल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। साईं बाबा की कसम, मैं सच कह रहा हूँ सर। अगर यह सच भी हो तो मैं इसे मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं। शराफत के मेरे रुपए वापस कर दो, वरना पुलिस को बुलवाऊंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। सर, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं बैंक से 10 लाख रुपए विड्रॉ करवा के साईं बाबा के मंदिर
उस लड़की ने? तो आप ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है? अब सच क्या है इसका पता पुलिस ही लगाएगी। जी ये आपका पैकेट तो वहीं छूट गया था, पर मैं आपका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। इसमें बहुत सारे रुपए हैं, पूरे हैं, एक बार आप गिन लीजिए। देखने की कोई जरूरत नहीं, आज मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में आज भी ईमानदारी जिंदा है। मैं चोर नहीं हूं सर, बस थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी और इसकी सजा मैं खुद अपने आप को दूंगा। मैं आपकी नौकरी से रिजाइन दे रहा हूं। वैभव, अगर आपसे लापरवाही हुई है तो मुझसे भी तो गलती हुई है। मुझे माफ नहीं करोगे? क्या नाम है आपका? जी अमिता, अमिता मिश्रा। बहुत प्यारा नाम है। कहाँ रहती हैं आप? प्लैश होटल के सामने। आप ब्रिज बिहारी मिश्रा जी की बेटी? जी। वैभव। यस सर। आप इन्हें घर तक छोड़कर आइए। आइए। ये लड़की वैभव को जरूर पसंद आ जाएगी। तब तो बाबा की इच्छा से ही हमारी मुलाकात हुई। आया तो आपको घर पहुंचाने ही था, पर अब आपके पापा मम्मी से मिलकर ही जाऊंगा। अरे सर, आप यहां? हाँ, ये हमारे मास्टर जी हैं। और हाँ, मैंने मास्टर जी से आप दोनों के रिश्ते की बात भी कर ली है। अच्छा, अब ये बताओ कि हमेशा की तरह आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन एक शर्त है। ये नहीं, मैं बस इतना चाहता हूं कि हमें मिलाने वाले साईं बाबा हैं, हमारी शादी उनके सामने उनके मंदिर में ही हो। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की।